शोषण बहुत वेतन कम, इसके लिए बिहार के नौजवान थोड़ी नीतीश जी को बिहार की गद्दी पर बैठाया है। मोदी नहीं है, दीवारें गिरी हैं, स्कूल और शौचालय नहीं है, पढ़ाई और वहाँ शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में आपके डॉक्टर मेडिकल। इसलिए इस हुकूमत के खिलाफ में युवा आंदोलन का एक झंझवात पैदा। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में युवा एक बार फिर सड़क पर नजर आ रहे हैं और ये आह्वान किया है विधायक संदीप सौरभ, मनोज मंजिल यानी माले के कुछ विधायकों ने, और बिहार की बदहाली बेहाल बहाली पर ये आयोजन है, इस पर हम बात करते हैं। मनोज मंजिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव नेशन 7 में। शुक्रिया शादाब जी। आप एक बात बताएं कि ये जो आह्वान आप लोगों ने किया है सरकार के खिलाफ, क्या आप लोगों ने अब एक तरह से एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की मुहिम शुरू की? ये विहीन बहालियों का रोजगार के सवाल पे एक रोजगार अधिकार महासम्मेलन, रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा ये बना है। 19 लाख रोजगार मांग रहा है युवा बिहार, बिहार का अधिकार है 19 लाख रोजगार। सरकार बहाली कैलेंडर जारी करे और सरकारी नौकरियों और बहालियों के सवाल पे बिहार विधानसभा का स्पेशल सत्र आयोजित हो। ये काम ज़्यादा, शोषण बहुत, वेतन कम, इसके लिए बिहार के नौजवान थोड़ी नीतीश जी को बिहार की गद्दी पर बैठाया है, मोदी को भेजा है। तो अब ये मेरा कहना है कि नीतीश बाबू, बिहार का नौजवान नौकरी खोज रहा है और आप दारू खोज रहे हो, तो बिहार का जो भविष्य है, बिहार का भविष्य नौजवानों के नौकरी में है। न्याय के साथ विकास की बात आपने कहा था, तो नौकरी के बिना नौजवानों के साथ न्याय कहाँ? इसलिए हेलीकॉप्टर से लाखों लाख रुपए बाहर रहे हैं, जबकि आपके स्कूलों की छतें नहीं हैं, दीवारें गिरी हैं, स्कूल और शौचालय नहीं है, पढ़ाई और वहाँ शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में आपके डॉक्टर मेडिकल स्टाफ नहीं है। तो श्वेत पत्र सरकार जारी करे, जितने बिहार में पद खाली हैं सरकार श्वेत पत्र जारी करे। केंद्र में भी 872,243 केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट और संस्थानों में पद खाली पड़े, तो बिहार में पदे खाली रहेगी, विभाग खाली रहेगा, तो ये नौजवान सरकार चलने नहीं देंगे। अगर बिहार के में बहाली नहीं होगी, पद खाली होगा, तो नीतीश बाबू आपको भी गद्दी खाली करके जाना पड़ेगा। तो क्या अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? अभी रेलवे ग्रुप डी के मेंस एग्जामिनेशन लेने की नोटिफिकेशन वापस लेने की, जो 26 जनवरी का बिहार और देश के नौजवानों का आंदोलन था, सरकार ने अभी उसको माना नहीं है। उस सवाल पे हम लोग आंदोलन करेंगे और यहाँ बिहार के नौजवानों से आह्वान करेंगे कि जो बिहार के विधानसभा में हम विधायकों की टीम जो लगातार रोजगार के लिए आवाज़ हम लोग वहाँ उठा रहे हैं, नौजवानों का जो दर्द है, जो पीड़ा है, नौजवानों के सपनों को ये सरकार मार रही है, युवा का जो वसंत है, उसकी जवानी है, उस जवानी को ये सरकार खा रही है, सपनों को मार रही है, और इसलिए इस हुकूमत के खिलाफ में युवा आंदोलन का एक झंझवात पैदा। तो इस तरह से युवाओं के साथ माले विधायकों का साथ है और युवाओं के द्वारा जो युवाओं में जो असंतोष बिहार में फैला है, अब युवाओं में जिस तरह से बदहाल बहाली को लेकर जिस तरह का मामला छिड़ा हुआ है, उसे लेकर ये एक बड़ा आयोजन किया गया है और अब देखना है कि सरकार तक जो आवाज़ उठाने की मंशा के साथ ये आंदोलन छेड़ दिया गया है, इसका आगे क्या होता है और सरकार पर इसका कितना असर पड़ता है ये समय तय करेगा। मगर एक बात ज़रूर है कि जिस तरह से बिहार में युवा असंतोष की तरफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इतिहास दोहराने जैसी स्थिति बनती चली जा रही है, क्योंकि बिहार ही वो धरती है जहां से जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन छेड़ा था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था, और अब फिर एक बार युवा बिहार का असंतोष में है, परेशान है, कहीं ना कहीं अब गुस्से चेहरे पे, उनके ललाट पे शिकन के तौर पर दिख रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।